आग और पानी एक होते हैं तो क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। अजय देवगन, आलिया भट्ट, एंटी रामा राव और रामचरण स्टारर ट्रिपल आर का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचाकर रख दिया है। इस पोस्टर ने रिलीज के साथ ही वो दौर याद दिला दिया जब बाहुबली का क्रेज हुआ करता था। इस पोस्टर के जरिए फिल्म निर्माता ने आग और पानी की शक्ति को दर्शाने की कोशिश की है। ट्रिपल आर के पोस्टर को खुद अजय देवगन ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। साथ ही लोग इस पोस्टर की जमकर तारीफें भी कर रहे हैं। पोस्टर के रिलीज होते ही फैंस में ट्रिपल आर को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिली। साथ ही साथ इस मोशन पोस्टर ने रिलीज के साथ ही दर्शकों के दिलों में एक सवाल भी खड़ा कर दिया कि आग और पानी जब एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है। आपको बता दें कि जब विपक्षी ताकतें यानी कि ऑपोजिट एनर्जी जैसे पानी और आग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, एक साथ आते हैं तो तीव्र ऊर्जा बनती है जो आपके पास होगी। यानी जितने बजट में बाहुबली के दोनों पार्ट बन गए थे, उतने बजट में ये सिंगल फिल्म ट्रिपल आर बनाई जा रही है। जाहिर सी बात है, एक्शन, वीएफएक्स, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ तबाही मचाने वाला है। जो इसमें म्यूजिक इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं हमें बाहुबली की याद दिला देता है, उस दौर की याद दिला देता है जब लोग बाहुबली के लिए पागल हुआ करते थे। लगता है अब ट्रिपल आर के जरिए फिर से एसएस राजामौली लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने को एकदम तैयार खड़े हैं। ये फिल्म भारत की आजादी से पहले के दौर की है, जिसमें दो रियल लाइफ हीरोज की काल्पनिक कहानी को दिखाया गया। माना जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म के लिए 2 साल रिसर्च की थी, तो ये पहली बार नहीं है कि एसएस राजामौली कोई ऐतिहासिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बेहतरीन फिल्में वो हमें दे चुके हैं, और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और पूरे विश्व भर में शानदार कलेक्शन किया। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रिपल आर भी बाहुबली और बाहुबली 2 की तरह विश्व भर में नाम कमा पाएगी, और आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।